क्या फ्रेंड्स आपके मोबाइल में जो भी गैलरी में फोटो है उस फोटो का आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किस प्रकार कर सकते हो, हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको एक सरल भाषा बताऊंगा तो आप भी सीख जाओगे और आपके गैलरी में कोई भी फोटो होगा उसका आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर देना और आपको पास में लेनी घंटी दिख रही है उस घंटे को आपको ऑल पर प्रेस कर देना ताकि मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट लाऊंगा गाइस, तो आपको सबसे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आपका हमारे गूगल क्रोम एप्लीकेशन होती है, उस गूगल क्रोम एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना। जैसे आप गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपका यहाँ पर लिख लेना पीडीएफ कन्वर्ट, जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस आपका हमारा सर्च कर लेना फोटो टू पीडीएफ कन्वर्ट, जैसे मैं आप सर्च करता हूँ। देखकर मैंने आप पीडीएफ सर्च कर लिया, सर्च के मैं आपको सर्च का आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं पर सर्च का आइकन पर क्लिक करूंगा तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आई लव यू पीडीएफ, उस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो फ्रेंड देखकर मैंने पीडीएफ पर क्लिक किया और गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पर गले से कोई एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर गैलरी को ओपन कर लेता हूँ, गैलरी को ओपन कर मेरे पास एक फोटो है, मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद डन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको डन करूंगा तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा और गाइस आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा कन्वर्ट टू पीडीएफ, उस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो गाइस यहाँ पर 18 सेकंड लेगा, 18 सेकंड में पीडीएफ कन्वर्ट करके दे देगा। और मैं पीडीएफ को कहीं अपलोड करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ आसान तरीके से। और गाइस ये पीडीएफ की कितनी फाइल होगी वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 4+32 MB की अपने मोबाइल में पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे इसको अपलोड होने देता हूँ, अपलोड होने बाद मैं गैलरी को ओपन करूंगा और गाइस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने उन्हें पीडीएफ को कहीं शेयर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपने पीडीएफ को कन्वर्ट होने देता हूँ तो फ्रेंड देखकर मेरे मन में पीडीएफ कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद मैं गैलरी को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं अपने गैलरी को ओपन करूंगा तो गाइस आपको यहाँ पर दिखाई देगा मेरे पास पीडीएफ आ चुकी आसान तरीके से। तो गाइस आप भी उन्हें पीडीएफ कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस प्रकार कर सकते हो। तो चलिए गाइस ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।